नमस्कार, जेपीडी किचन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम मेथी के लड्डू बनाने वाले हैं, तो बहुत ही हेल्दी लड्डू हम बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आधा किलो मेथी का आटा हमने लिया है और लगभग आधा किलो से ज्यादा गेहूं का आटा है, आधा किलो ड्राई डेट्स का पाउडर लिया है, आधा किलो ड्राई कोकोनट को हमने बारीक कर लिया है और 200 ग्राम काजू, 200 ग्राम बादाम और 200 ग्राम अखरोट हमने यहाँ पे लिया है। तो तीनों ही चीज़ों को हमने बारीक कर लिया है। 200 ग्राम यहाँ पे गोंद हमने लिया है, 1 किलो देसी गुड़ लिया है और थोड़ा सा जायफल और इलायची ली है, इसका हम पाउडर बनाकर साइड में रख लेंगे। तिल का तेल हमने यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले नारियल को थोड़ा सा हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट और इसे बड़े से बर्तन में हम निकाल लेंगे। कढ़ाई को हमने टिश्यू से साफ कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इस तरह से हम गोंद जो है उसे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारा गोंद जो है उसे फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने गोंद को घी में फ्राई किया है, आप चाहे तो ऑयल में भी कर सकते हैं। और इसे भी अभी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इस तरह से थोड़ा सा हमने क्रश कर लिया है। तो इसमें हम ड्राई डेट्स और किशमिश ऐड करेंगे, काजू, बादाम और अखरोट तीनों का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और इलायची और जायफल इसका भी पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है और इसी में हमने जो गेहूं का आटा है उसे ऐड कर दिया है। तो हम सबसे पहले आटे को थोड़ा सा सूखा ही मिक्स कर लेंगे, बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके तेल ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो लगभग 20 से 25 मिनट का समय हमें यहाँ पे लगने वाला है। मिक्स करते जाएंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो अब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो लगभग 20 से 25 मिनट का समय हो गया है और 5 मिनट हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इस प्रोसेस को आप स्किप मत कीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपने यहाँ पे अच्छे से ये जो आटा है इसे नहीं भुना तो फिर हमारे जो लड्डू है वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसमें हम इसे ऐड कर देंगे। फिर से हमने इसमें तेल ऐड किया है और अब मेथी का आटा हमने इसमें ऐड किया है। तो इसे हम 12 से 15 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। मेथी के आटे को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए उतना ही हम मेथी के आटे को भूनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल हमने इसमें ऐड किया है और इसे लगातार मिक्स किया है।
तो अब 15 मिनट हो गए हैं, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने फिर से कढ़ाई ली है और कढ़ाई में अब हमने तेल लिया है, तो यहाँ पे तिल का तेल जो था 1 लीटर पूरा तिल का तेल हमें लग गया है। इसमें हमने 1 किलो पूरा गुड़ बारीक करके ऐड कर दिया है और इसे कम गैस पर ही हम अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट में गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसे भी हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके इस तरह से लड्डू बना लेंगे। तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, सर्दियों में आप इसे ज़रूर खाइए। तो आप ये लड्डू ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये लड्डू बनाए हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमारे लड्डू बन गए हैं। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।